बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 2 सब्जेक्ट मैथ असाइनमेंट नंबर 6। आज का हमारा लेक्चर वो 6 है। टेंस और वर्ब्स हम लोगों ने इनको प्लस करना है, इनको काउंट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने राइट कर देना है। ये देखिए, ये सारा यहाँ पर हम लोगों ने इनको काउंट किया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने ये राइट कर दिया। फिर हम लोगों ने लास्ट पर देखना है विच इज़ द बिगेस्ट ग्रुप। इनमें सबसे जो बड़ा ग्रुप था वो डी वाला था या 52 था। यहाँ पर विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप, जब हम लोगों ने देखा तो 21 इसका स्मॉल ग्रुप था, वो ए वाला था। यहाँ पर हम लोगों ने ये राइट कर दिया। फिर नंबर 29, यहाँ पर हम लोगों ने ये इनका एडिशन कन्वर्टिंग वंस, हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्टिंग वन में हम लोगों ने इनको राइट करना है। यहाँ पर ये कैरी वाले क्वेश्चंस है। यहाँ पर ये देखें, 58 + 5 + 8 इज इक्वल टू होता है 13। यहाँ पर हम लोगों ने 3 राइट कर दिया, 1 कैरी हो गया। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो 43 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये सिर्फ इस पेज पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। पेज नंबर 13 पर क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं कन्वर्टिंग वंस। यहाँ पर हम देखें, टेंस और वंस में हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है। यहाँ पर 6 + 6 इज इक्वल टू होता है 12। 12 का 2 राइट कर दिया, 1 कैरी हो गया। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 32 हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसी तरह हम लोगों ने सारा पेज ये कम्प्लीट कर लिया। पेज नंबर हमारे पास आ गया है 31। इसी तरह ही ये वाले क्वेश्चन है जिस तरह हम लोगों ने पेज नंबर 30 पर किए हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने यही काम करना है। 8 + 8 इज इक्वल टू 16 होता है, तो हमारे पास 6 यहाँ पर राइट कर दिया, 1 कैरी आ गया। 2 + 5 इज इक्वल टू होता है 7, 1 हम लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पर 86 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये इनको हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये इनके क्वेश्चंस राइट करने हैं और आंसर यहाँ पर राइट करना है। जिस तरह ये देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन है 25 हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर दिया, फिर 18 भी यहाँ पर राइट कर दिया। इनको हम लोगों ने एडअप कर लेना है। 43 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। इसी तरह इनको हम लोगों ने पढ़ना है, रीड अच्छी तरह अच्छे से हम लोगों ने इनको कर लेना है, तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। इनको एडअप करते जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।